खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राय सुहेल खरल की रिपोर्ट के मुताबिक लड्डू आदम शहर में अमन अमान बरकरार रखने और मुलजिमान की कैफर करदार तक पहुंचाने के लिए पीटीआई राबता कौंसिल लेबर विंग सिंध के नायब सदर रफीक गोरी साहब, मेहरान प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी जनाब राना मुरसलीन साहब ने SDPO ता मोहम्मद ढारी साहब को मुबारकबाद पेश की। पीटीआई राबता कौंसिल लेबर विंग सिंध के नायब सदर जनाब रफीक गोरी साहब और मेहरान प्रेस क्लब के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी राना मुरसलीन साहब ने टंडू आदम SDPO ता मोहम्मद ढारी को टंडू आदम शहर में अमन अमान बरकरार रखने और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में मुलविस गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार करने, इनसे मोटरसाइकिलें बरामद करने और असलाह पकड़ने पर मुबारकबाद ये फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर नायब सदर हाजी रफीक का कहना था कि आप जैसे अफसरान टंडू आदम शहर के लिए फखर का बाइस है। आपके आने के बाद टंडू आदम शहर में चोरी देकर वारदातों में वाजिया कमी आई है और हम आइंदा भी आपसे शहर में अमन अमान के हवाले से काम करते रहने की तवक्का रखते हैं। मुलाकात के आखिर में टंडू आदम शहर के अमन अमान के लिए दुआ की गई।